गुरु अंगद देव जी दे हुकम नाल खडूर साहिब विच अतुट लंगर चलन लग पिया। आया गया हर कोई उथो भोजन छकदा सी। बहुत सारे सिख लंगर विच बड़े चा नाल सेवा करदे सन, जिन्हां विच एक जीवा नाम दा सिख भी सी। ओह गुरु जी वास्ते दही ते खिचड़ी तैयार करदा ते बड़े प्रेम नाल दही खिचड़ी ते होर पदार्थ छकाउंदा सी। एक दिन संध्या समय बहुत जोर दी हनेरी चलन लग पई। भाई जीवा जी ने गुरु जी नूं हथ जोड़ के बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी हनेरी बहुत जोर दी चल रही है, पता नहीं यह कदों हटेगी, इस वास्ते आप बचन करो यह हट जावे। हनेरी हटेगी तां मैं छेती भोजन तैयार करके आप जी नूं छकावांगा, पिछों भावें फिर हनेरी चलती रहे। गुरु जी ने कहा, इहो जिहा मनोरथ नहीं करना चाहीदा, यह परमेशर दी रजा विच दखल देना हुंदा है। परमेशर ने जो भी वाजू चलाई है इसने भी कई कार्ज सवारने हन ते कई जिया दा भला करना है। जो समुंदर विच कई चिरां तो जहाज खलोते हन जिन्हां विच हजारां जीवां दी रोजी लद्दी है, जदों जहाज इस हनेरी नाल चल के अपने टिकाने ते लगणगे, जिहड़े सौदागर उन्हां विच बैठे हन ओह अपना सौदा वेच के अपनी रोजी चलाउणगे, परमेशर उन्हां नूं इस बहाने रोजी दिंदा है। दूजा, जिथे तांबे दी धरती है उत्थे लखां ही सप रहिंदे हन जो बहुत समय तो भुख नाल दुखी हन। इस हनेरी नाल मिट्टी उड के उत्थे जावेगी, ओह सप उस मिट्टी नूं अपने अपने कुमंडलां विच इकट्ठी करके सांभ लैणगे ते उसनूं खा के अपना गुजारा करनगे। उहनां नूं परमेशर इस बहाने रोजी दिंदा है। जे असीं इस हनेरी नूं बचन करके रोक देईए तां कई कारज विगड़ जाणगे, कई जीआं दी रोजी मारी जावेगी, लखां जीवां दा संताप सानूं लगेगा। परमेशर दे भाणे दे उल्ट चलना मनुखां दी रीति है। गुरमुख परमेशर दे भाणे नूं मिठा करके मानदे हन। हे जीवा जी, तू भोजन बनाउण वास्ते सोच रहा है, ओह चार घड़ियां बाद बन जावेगा, जे हनेरी ना हटी तां सवेरे बन जावेगा। तू किसी गल की चिंता ना कर, परमेशर की रजा विच चलना ही सिखी का मुख धर्म है। गुरु जी तो यह बचन सुन के भाई जीवा ने गुरु जी के चरणा ते मत्था टेकिया। सारे सिखा ने गुरसिखी का यह उच्चा सुचा असूल चंगी तरह समझ लिया ते हमेशा वास्ते इस ते चलन का इकरार किया। बच्चों लई प्रश्न, भाई जीवा जी की सेवा करते सन? दूसरा प्रश्न, जदों हनेरी चली सी तां भाई जीवा ने गुरु जी नूं की कहा? तीसरा प्रश्न, गुरु जी ने भाई जीवा नूं हनेरी वास्ते की कहा ते की उपदेश दिता? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।